तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। रियलमी का एक नया स्मार्टफोन रियलमी 8C 5G जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसके सारे स्पेक्स लीक्स हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे क्या क्या उसमें आपको खास देखने को मिलेगा। कुछ चेंजेस भी की गई है रियलमी ने, इसमें बदलाव भी किया है, साथ ही साथ क्या इसकी प्राइस होगी और कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, वो सब आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी से 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन क्वालिटी के बारे में। डिज़ाइन और लुक कैसा होगा इसका? डिज़ाइन जो लुक है रियलमी 8 का एकदम बिल्कुल सिमिलर होगा। डिज़ाइन आप देखिए काफ़ी खूबसूरत सा है, बट एक कलर में है, कोई ज़्यादा दो कलर का नहीं है, काफ़ी खूबसूरत सा कलर लग रहा है। कैमरा का आप डिज़ाइन देख लीजिए, बिल्कुल रियलमी 8 की तरह सेम ही सेम है। अब जो बात करते हैं कैमरा, आपको रियर कैमरा आपको जो है क्वाड कैमरा नहीं मिलेगा, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। सबसे जो पहला जो कैमरा वो मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, और जो दो कैमरा वो बिल्कुल बेकार है, 2+2 मेगापिक्सल मिलेगा। पता नहीं अल्ट्रा वाइड क्यों हटा दिए। और कैमरा को आप जूम कीजिएगा तो ये आपको देखेगा, देखने में तो चार कैमरा लगेगा पर जूम कीजिएगा तो वहाँ पे आपको AI देखने को मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं एक कैमरा को फेक कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, वहाँ पे AI लिख दिया गया है। नीचे में फ्लैश लाइट मिलेगी बिल्कुल रियलमी 8 की तरह, नीचे में रियलमी की ब्रांडिंग रहेगी। साइड में फिंगरप्रिंट माउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है भाई साइड में यहाँ पर दिया गया है। और बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले इसमें कौन सा रहेगा, तो मिलेगा आपको 6.5 इंच का आपको फुल HD प्लस LCD 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है साइड फिंगरप्रिंट माउंट है तो भाई इन्होंने LCD ही यूज़ किया है, और ये इनकी स्टॉक बहुत ज़्यादा है भाई, सभी फ़ोन में ये यही यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो Realme 6 से लेकर आप देख लीजिए Realme 7 हो, सभी में उन्होंने यही चीज़ यूज़ किया है 90Hz वाले डिस्प्ले और LCD IPS को, तो खैर इनकी मामला है। और जो सेल्फी मिलेगा आपको वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। मैं भी उम्मीद करते हैं जैसा आपको Realme जिन 8 सीरीज़ में मिला वही सेम सेल्फी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और बैटरी की बात करते हैं, बैटरी 5000 mAh की मिलेगी आपको, बड़ी सी बैटरी। और साथ ही साथ इसमें जो चेंजेस किए गए वो यहाँ पे चार्जर में किए गए हैं। इसमें आपको 30 से नहीं 33 वाट का चार्जर मिलेगा, मतलब 30 को हटाकर 33 वाट से 3 वाट बढ़ाएं, 33 वाट का इसमें आपको चार्जर देखने को मिलेगा। टाइप सी पोर्ट होगा और चार्जर भी इन बॉक्स डालकर ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसर कौन सा रहेगा, क्योंकि दोस्तों परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात होती है। तो प्रोसेसर आपको इसमें मिलेगा MediaTek Dimensity 810 वाला, मतलब 810 वाला SoC वाला आपको प्रोसेसर मिलेगा, जो आपको 800 से जो काफ़ी बेटर होगा। और ये प्रोसेसर अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है भाई, ये लॉन्च कब हुआ, तो बिल्कुल ये प्रोसेसर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये फ़ोन जब लॉन्च होगा वो इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा, और लॉन्च में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। रैम और रोम की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो रैम आपको इसमें कौन सा मिलेगा और कितना मिलेगा, तो इसमें आपको LPDDR4X वाला रैम मिलेगा, और स्टोरेज UFS 2.2 वाला आपको स्टोरेज मिलेगा। और यहाँ पर UFS स्टोरेज आप तो जान लिए। अब रैम बात करते हैं तो 6GB 128GB 8/256GB वाला मिलेगा, और इसमें आपको पता है 5GB जो आपको है वो क्या बोलते हैं जो रोम आजकल का चल रहा है कस्टमाइजेबल रोम, वो आपको इसमें अलग से आपको देखने को मिलेगा। 5GB आपको एक्स्ट्रा रोम देखने को मिलेगा जो आपके अंदर का ही जो रैम को यूज करेगा, तो यहाँ पर 5GB एक्स्ट्रा जो रोम होता है वो यहाँ पर आराम से यूज करेगा, और एक्सटेंडेबल जो रोम कहते हैं वही यहाँ पर होता है और कुछ नहीं होता है। और बात करते हैं एंड्रॉयड वर्जन, तो ये एंड्रॉयड 11 में मिलेगा और रियलमी UI 2.0 के साथ में ये आपको यहाँ इंडिया में लॉन्च होगा। प्राइस की दोस्तों बात करते हैं, तो प्राइस का उम्मीद यही लगा सकते हैं दोस्तों कि 800 वाला जो प्राइस है वो मुझे लगता है कि ये 15 से 16, 17, 18 के बीच में ये फ़ोन लॉन्च होगा, 15 से लेकर 17 या 18 के बीच में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है। इससे ज़्यादा कि प्राइस में ये फ़ोन नहीं लॉन्च होगा, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर जो है वो आपका 5G सपोर्ट करता है और ये गेमिंग के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। फिलहाल देख सकते हैं दोस्तों ये जब लॉन्च होगा इसके बारे में और आपको फुल डिटेल्स के साथ में वीडियो बनाकर देंगे। फिलहाल दोस्तों अब क्या आपको ये नंबर सीरीज रियलमी की अच्छी लगती है या नहीं लगती है? मुझे तो अब रियलमी का कुछ काम करने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है कंप्रोमाइज़ किए गए। अगर इसकी प्राइस ज़्यादा आती है 15,000 से ऊपर तो कोई मेरे हिसाब से ना लेगा, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं होगी, और अल्ट्रा वाइड ना होने के बाद सिर्फ आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और 2+2 मेगापिक्सल कैमरा इसमें देखने को मिलेगा। मतलब कैमरा एक हटा दिया गया है अल्ट्रा वाइड, और साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं इसका जो डिस्प्ले है वो आपको एमोलेड नहीं है। ये थोड़ी सी आपको यहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि दूसरी कंपनी जो है Xiaomi वो इस प्राइस में प्रोवाइड कर रही है एमोलेड, और इन्होंने खुद दिया था Realme, आपको पता है 8 में आपको एमोलेड मिला था डिस्प्ले, जो अंदर इन डिस्प्ले के साथ काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो इस प्राइस
प्रोसेसिंग अब इन्होंने हटा कर दोस्तों अच्छा प्रोसेसर दिया, तो हो सके गेमिंग को टारगेट किया है। बट आप दोस्तों इसके लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसमें डुअल स्पीकर नहीं है, बिल्कुल सिंपल है जैसा वो Realme 8 है वो सेम टू सेम मिला, सिर्फ ओनली प्रोसेसर को चेंज किया गया है और थोड़ा बहुत कैमरा का जो है वो चेंज किया गया है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया, उसके बावजूद भी कोई तरह का सवाल या सुझाव है नीचे कमेंट कीजिए, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। दोस्तों दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से आप। थैंक यू वेरी मच, ऑल द